हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ डायनेसिटी कॉल्ड कन्नौज। कन्नौज वाज अ प्राइज्ड एरिया इन गंगा इन द गंगा वैली। बेटा ये गंगा वैली के पास थी कन्नौज। देयर वाज अ ट्रिपिटाइट स्ट्रगल अमंग गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेसिटी ओवर कन्नौज। बेटा कन्नौज को पाने के लिए यहाँ पे त्रिपाठी स्ट्रगल था, मतलब गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटा और पालास के बीच। रूलर्स यूज टू बिल्ड लार्ज टेम्पल्स इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज। अब जो रूलर्स थे वो अपने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाना चाहते थे। वो इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वो अपनी पावर जो थी उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। सो टेम्पल्स वर द फर्स्ट टारगेट when one ruler attacked over the other। तो बेटा उस टाइम पे क्या होता था, मतलब अगर वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे तो उनकी पावर भी शो होती थी और लोग दान करते थे तो उनके रिसोर्सेज भी बढ़ते थे उससे। इसलिए उस टाइम पे फर्स्ट टारगेट हमेशा रूलर जो अटैक करता था उसका टेम्पल होता था। वन प्रोमिनेंट रीज़न फॉर दिस वॉज दैट द टेम्पल वर ऑफन वेरी रिच। सबसे पहला रीज़न यही होता था कि टेम्पल जो थे वो बहुत रिच होते थे। सुल्तान मोहम्मद गजनी ऑफ अफगानिस्तान एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब सुल्तान मोहम्मद गजनी जो था वो अफगानिस्तान का था, उसने अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर कर लिया था। ड्यूरिंग हिज अटैक्स ही टारगेटेड वेल्दी टेम्पल्स ऑफ विच द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट। अब बेटा वो क्या करता था, जब वो अटैक करता था उसका फर्स्ट जो टारगेट होता था वो टेम्पल ही होता था। यहाँ पे भी सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात के अंदर है, पहले उसने यहीं पे अटैक किया था। ऑल बरूनिस किताबिल हिंद एंड अरेबिक वर्क रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सुल्तान इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस। अब देखो बेटा, ऑल बरूनिस ने किताबिल हिंद लिखी थी, अरेबिक लैंग्वेज में है, सुल्तान के कहने पर, उसके रिक्वेस्ट पर, जो कि इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। ऑल बरूनी ऑल्सो कंसल्टेड द संस्कृत स्कॉलर्स वाइल प्रिपेयरिंग दिस बुक। अब उसने संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ भी बहुत कंसल्ट किया था इस बुक को लिखते हुए। सम अदर नोटेबल किंग्स एंगेज्ड इन वॉर वर चाहमनास लेटर नोन एज चौहान्स, चौहान किंग्स थे, रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर एंड मेड एफर्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने बेटा दिल्ली और अजमेर पर अधिकार किया था अपना, उस पर रूल किया था एंड एफर्ट्स लगाए थे कि वो अपना जो पावर है, जो अपना कंट्रोल है वो वेस्ट और ईस्ट में भी बढ़ा सकें। दे वर अपोज्ड बाई द चालुक्यास ऑफ गुजरात, वो गुजरात के जो चालुक्यास थे उनके अपोजिट थे, एंड गहदवालाज ऑफ उत्तर प्रदेश, इन दोनों के वो अपोज्ड थे। पृथ्वीराज थर्ड हु डिफीटेड एन अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। पृथ्वीराज थर्ड, जो बेटा पृथ्वीराज चौहान का नेम आप सबने सुना ही होगा, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चौहान्स। अब बेटा उन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर 1192 वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द चाहमनास। अब देखो बेटा उससे ही नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट इज मौर्यार्स द सबऑर्डिनेट्स टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। बेटा ये उनके सबऑर्डिनेट्स थे, पल्लवा किंग्स के सबऑर्डिनेट्स, मतलब उनके नीचे काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, ये कावेरी डेल्टा का एरिया जो थे वो संभालते थे। विजय लाया मेंबर ऑफ द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास वर चोलास फ्रॉम यूरियार कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम
मुरियार्स इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब बेटा विजयालाया अ मेंबर ऑफ द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोला, चोलास की एंशियंट फैमिली से था, जिसने मुरियार से 9th सेंचुरी में उनका जो डेल्टा था, कावेरी डेल्टा, वो छीन लिया था, मतलब उनको वॉर में हराया और उनसे वो ले लिया। द टाउन ऑफ तंजावर एंड द टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभासुदिनी, देयर वर सम ऑफ हिज मेजर क्रिएशंस। बेटा द टाउन ऑफ तंजावर का जो टाउन था, एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस का जो टेम्पल था, निशुंभासुदिनी, देयर वर सम ऑफ हिज मेजर क्रिएशन। उसकी जो मेजर क्रिएशंस थी वो ये थी, विजयालाया की, मतलब उन्होंने बनवाए थे ये।